बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस के अंदर आपके पास वर्डप्रेस डेटाबेस की क्रेडेंशियल नहीं है तो हम WP एडमिन से उसको एक प्लगइन के थ्रू उसके माय PHP में एडमिन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं, हमारे पास ये एक प्लगइन मौजूद है लाइब्रेरी में जो कि फ्री है, WP PHP माय एडमिन के नाम से। उसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर आकर सर्च करेंगे। नहीं, ये हमारे पास आ गया, उसको इंस्टॉल करेंगे। अब चल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ये हमें एक्टिवेट कर लिया अब लगिन को। सही है दोस्तों, ये हम अपने वर्डप्रेस के PHP में एडमिन की सेटिंग्स में आ गए। अगर आपकी वेबसाइट सर्वर पे है, सही है, तो ये हम चेक लगाएंगे। सही है, तो ऑटोमेटिकली इस पे इंटर पे क्लिक करेंगे, ये हमें PHP में एडमिन ले। अगर ये आपकी लोकल पे है तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे चेक, और इसको सेव कर लेंगे और इंटर PHP में एडमिन करेंगे, ये आपको लोकल उसी PHP में एडमिन पे ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। ये उनके लिए जो जिनके पास क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स नहीं होते डेटाबेस के, और वो डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस पर कोई काम करना चाह रहे हैं, कुछ क्यूरी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इससे ये कर सकते हैं। यहाँ वर्डप्रेस के एडमिन क्रेडेंशियल्स होते हैं तो हम डायरेक्ट ये प्लगइन डाल के इजिली ये सिर्फ ये चेक ऑटोमेटिकली लगा हुआ होता है। अगर लोकल पे है तो ये हट जाएगा, और अगर आप लाइव पे कर रहे हैं काम वेबसाइट के ऊपर डोमेन होस्टिंग पे, तो ये चेक लगा के हम सिंपली सेव कर देंगे और इंटर PHP में एडमिन करेंगे, जो यहाँ पास आपके पास PHP में एडमिन पे चला। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।